कथा पुरुरम भोट है वाल्मीकि भगवान। पढ़ने सुनने वालों का प्रभु जी आप करो कल्याण। कथा पुरुरम भोट है वाल्मीकि भगवान। पढ़ने सुनने वालों का प्रभु जी आप करो कल्याण। कथा धर्म शास्त्र दी सतमा अध्याय। आनायाद पुरख अविनाशी जी का माद लोक विच और वाल्मीकि नाम रखाना और नाल ही भारद्वाज जी को वाल्मीकि जी ने सिख करना। 16 भाद्रों आसू मानी नछत्तर ऐतवार सुबह को 3 बजे तमाम इस बन के ऋषि मुनि स्नान करने के वास्ते तमसा नदी पर आए। उधर भारद्वाज जी भी अपने आसन से निकले तो इनको ऐसा मालूम हुआ के कुटिया से 22 कदम के फासले पर एक चंदन का बड़ा पेड़ है और इसके ऊपर से आकाश मार्ग की तरफ से एक निरंकारी ज्योत आ रही है और इस बड़े वृक्ष के नीचे आकर खड़ी हो गई। इस रोशनी को पकड़ते ही इस रोशनी को पढ़ते ही भारद्वाज इस तरफ को चले। उधर तमाम ऋषि मुनि भी रोशनी को देखकर इस तरफ को दौड़े और आपस से कहने लगे, भाई इस चंदन के नीचे आज चंद्रमा जी आ कर खड़े हुए हैं, चलो इनके पास जाकर दर्शन करें। इनके देखकर भारद्वाज जी भी इसके साथ ही मिल गए और ज्यों ज्यों ऋषि मुनि और भारद्वाज इस चंदन के नजदीक पहुंचे जाते थे ते इधर रोशनी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती थी, मानो 1000 चंद्रमा आकर खड़े हों। इस रोशनी को देखकर तमाम ऋषि मुनियों की आंखें थक गई तो ये रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जाती थी। जब रोशनी कम हो गई तो ऋषि मुनि इस चंदन के पास पहुंचे ते देखते क्या है, इस रोशनी की जगह एक बर्मी बनी हुई है। वो बर्मी किसी पर जमानो स्वर्ण के बूर की बनी हुई है। तो ऋषि मुनि और भारद्वाज जी सब ने मिलकर ये रोशनी कहाँ से आई थी और क्यों मद्धम हो गई। तब साधक ऋषि बोले, महाराज हमारे विचार में ये आता है कि इस बर्मी में बड़ा पुराना भारी सर्प रहता होगा,
वो अपनी मणि को मुंह में लेकर इस बर्मी के ऊपर बैठा होगा, तो रोशन इसी मणि की होगी। फिर और ऋषि बोले, ऐसी बर्मी हमें कभी नहीं देखी, ऐसी बर्मी हमने आज तक कहीं नहीं देखी, ये सुनहरी मिट्टी की बनी हुई है। हमारे विचार में यही आता है कि इस बर्मी में कोई उत्तम कुल का साप होगा। चलो हम स्नान करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको एक फुंकार से भस्म कर दें। फिर भारद्वाज जी और तमाम ऋषि मुनि तमसा नदी पर स्नान करने के चले गए। तो फिर ऋषि मुनि और भारद्वाज जी स्नान करके तमाम अपने अपने आसनों आश्रम की तरफ चले। इतने में सुबह हो गई। इस दिन महाभद्रों सतारा के दिन डेढ़ पैर बीता, तो नारद जी भी भारद्वाज जी के आश्रम में आए। तब भारद्वाज जी ने उठकर इनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार की और कहा, महाराज 16 भाद्रों में सिर चुका है, तब भारद्वाज जी उठकर इनके चरणों के सिर झुकाकर नमस्कार की और कहा, महाराज 16 भाद्रों बीत चुका है, आज 17 भाद्रों हुआ तो हमारे गुरु देव जी ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। ये बात भारद्वाज जी की नारद जी ने सुनकर कहा, भारद्वाज तुम्हारे गुरु आज प्रभात के 3 बजे माद लोक में प्रकाश बनकर प्रकट हुए हैं और आपको इनके दर्शन करने की समर्था ही नहीं रही। सुनो, भारद्वाज जब आद पुरख अविनाशी जी इस वन में आकर प्रकट हुए थे तो इस वक्त रोशनी बिल्कुल बंद हुई थी। हम उस वक्त चित्रकूट पर्वत पर खड़े थे। इस जगह पर हमने इस सर्व कला भरपूर सर्वशक्तिमान के दर्शन कर लिए थे, तो आपको यहाँ दर्शन क्यों ना हुए? भारद्वाज जी ने कहा, महाराज वो रोशनी बताते हैं, वो तो इस जगह में एक चंदन का बड़ा पेड़ है, इसके नीचे बर्मी बनी है, इस बर्मी में आप सांप रहता है, इसने अपनी मणि निकाली थी। तो फिर नारद जी ने कहा, भारद्वाज जे आपकी भूल है, वो रोशनी आद पुरख अविनाशी जी के मात लोक पर प्रकट होने की थी और जब ऋषि मुनियों ने इस
निर्वाण ज्योत को देखा तो दर्शन करने के वास्ते दौड़े, तो सर्वशक्तिमान भगवान भगवान ने अपने आप को बर्मी बना लिया होगा। अगर हमारे साथ चलो तो इस वाल्मीकि भगवान जी के दर्शन करवा दें। ता फिर भारद्वाज जी ने कहा, महाराज हमने सतयुग बतीत कर दिया है, इनके दर्शन करने के लिए तो हमारी देर कौन सी है, मगर आपने इनका नाम वाल्मीकि बताया इसलिए हमें विश्वास नहीं आया। नारद जी ने कहा, भारद्वाज इस आद पुरुष अविनाशी जी ने बर्मी से प्रकट होना है, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि जी होगा। अब त्रेता फिर द्वापर और कलयुग इन तीनों युगों के वासी इनको वाल्मीकि कह कर मानेंगे। ये बात सुन भारद्वाज जी को पक्का विश्वास हुआ कि वो ही पार ब्रह्म परमेश्वर होगा। श्री नारद जी से बोले, महाराज वो चंदन का पेड़ नजदीक है, आप देर ना करें, हमें जल्दी से जल्दी दर्शन करवा दें। नारद जी भारद्वाजी जी के साथ लेकर उस वृक्ष के तले आ गए। तब भारद्वाज जी ने कहा, महाराज देख लो कैसी मनोहर बर्मी बनी है। नारद जी ने देख कर उस बर्मी के आगे बार बार सिर झुका कर नमस्कार किया। फिर नारद जी ने भारद्वाज जी से कहा, भारद्वाज हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो। भारद्वाज बोले, महाराज हम कर हाथ जोड़ कर खड़े हैं ते प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना चौपाई त्रैबंद पंक दे को प्रणाम करो निरंतर पूर्ण दाम। वेद प्राण बुद्ध इंद्र से लाई मुखे रंचित मिले सुखदाई। तेरे गुण माया के अनुहार पाओ उत्पत पालन सार। करो निरंतर लेपन होई नारायण पाओ प्रभु तुम सोई। दान अधीन कर्म को कार है दृत ज्योतियों पावन हार। वाल्मीकि जो भगत कमावे संत देखिन पाप मटावे। तुम पद पंकज देखो जोई मैं औखद हरे प्रभ सोई। ऐसे चरण तुम्हारे देहु त्रार दे मुन कर्ण सोसो। त्रैपद भगवान पूजे जोई करे बराग पावे प्रभ सोई। ते भगत में भगत विशाल वाल्मीकि जी सबके से दयाल। जहाँ ते भगत तुम्हारी जय भगत निरंतर चाहे तही। परमात्म पूर्ण अनंता वाल्मीकि पूर्ण भगवंता। दियो दियो पद बंदन वार मुन नारदया खड़ा द्वारे। कर कृपा दे दर्शन स्वामी तेरू राम के अंतर जामी।